सो हेलो प्यारे बच्चों, मैं योगेश सर स्वागत करता हूँ आपके 12th क्लास की फर्स्ट बुक के थर्ड चैप्टर का, जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट। बेसिकली ज्योग्राफी की बुक का थर्ड चैप्टर हमारा ये होने वाला है। बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर होने वाला है। तो वीडियो के अंदर बने रहे, और ये चैप्टर भी हम अच्छे तरीके से, जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर खत्म करे हैं उसी वे में इसको भी खत्म करेंगे। तो आ जाओ दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट बाय योगेश सर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखो, सबसे पहले जब आप इस चैप्टर के अंदर आओगे तो सबसे पहले इसके अंदर ना दो चीज़ों के अंदर डिफरेंस पूछा हुआ है कि भाई ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। देखो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव चेंज। कौन सा चेंज? क्वांटिटेटिव चेंज जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। जैसे कि क्या, तो जैसे एग्जाम्पल मान लो, एक बंदा है, इस बंदे के पास पहले एक कार थी, अगले साल इस पे दो कार हो गई, फिर इस पे तीन कार हो गई, फिर इस पे पांच कार हो गई, इस पे एक घर था, अब इसके पास चार घर हो गए, या फिर इसके पास कोई मान लो एक प्लॉट था, अब तीन चार प्लॉट हो गए। तो जब भी कभी नंबर्स के अंदर परिवर्तन होता है, चार थे पांच हो गए, पांच थे तीन हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है, वृद्धि का मतलब होता है जब हमारी क्वालिटेटिव ग्रोथ हो, यानी कि क्वालिटेटिव चेंज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। जब नंबर्स में बढ़ोतरी हो, जैसे कि भाई घर बढ़ रहे हैं, गाड़ी का नंबर बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट को हिंदी में बोला जाता है विकास। विकास कब आता है? जब हमारे गुणों के अंदर परिवर्तन है। जैसे एक अनपढ़ गवार बंदा था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, हमने उसको पढ़ा लिखा के अब इस लायक बना दिया कि वो अच्छे से बोलता है, चीज़ें पढ़ लेता है, तो अब उसकी क्वालिटी में जो है डिफरेंस आएगा। पहले जब वो नल्ला था, तब उसकी क्या ही क्वालिटी थी, क्या ही वे ऑफ स्टाइल था, क्या ही लाइफ स्टाइल थी। लेकिन अब जो वो बंदा कर रहा है पढ़ लिखने के बाद, तो उसकी वे ऑफ लिविंग में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। तो भाई डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटेटिव चेंज, ठीक है दोस्तों, और ग्रोथ के अंदर का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंज। अब जो ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अब भाई चार गाड़ी है, पांच गाड़ी हुई, अचानक से एक गाड़ी भी तो हो सकती है, बंदे की मान लो कंगाली आ गई, तो चार घर से एक घर भी हो सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो होती है, या तो ज़ीरो हो जाएगी या तो प्लस में जाएगी, माइनस में ज़ीरो कभी भी नहीं होती है, ठीक है। हमने क्या देखा? डेवलपमेंट जो है कभी भी नकारात्मक नहीं होती, या तो शून्य हो जाएगी या तो उसके आगे होगी, या तो पॉजिटिव होगी, लेकिन माइनस में कभी नहीं होगी। क्यों? जैसे एक बंदे को आपने पढ़ा लिखा दिया, तो आपने मान लो एक दिन उसको पढ़ाया, अगले दिन से आपने उसका पढ़ाना बंद कर दिया, तो जितना आपने उसको पढ़ाया एक दिन, वो नॉलेज उसके दिमाग में आके फिक्स हो गया, तो वो जितनी भी डेवलपमेंट थी वो शून्य हो गई। अब अगर आप उसको और पढ़ाओगे तो उसकी और विकास होगा, लेकिन अगर उसको और नहीं पढ़ाओगे तो जितना आपने उसको पढ़ाया वो भूलेगा भी नहीं, थोड़ा बहुत उसके दिमाग में रहेगा। तो इसलिए डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती है। और क्या बात बोली गई है? और बोला गया कि जो पॉपुलेशन होती है, यानी कि जनसंख्या जो होती है, वो एक कंट्री की रियल वेल्थ होती है। भाई रियल वेल्थ का मतलब क्या होता है? अब एक कंट्री का जो बड़ा बड़ा नाम है, वो जो कंट्री का बड़ा बड़ा नाम है, उस कंट्री का नाम करने वाले है कौन? उस कंट्री का नाम करने वाले हैं लोग। भाई जिस कंट्री में ज़्यादा लोग रहते हैं, उस कंट्री की डेवलपमेंट उतनी अच्छी है। जितने अच्छे लोग रहते हैं वो कितनी उतनी डेवलप होगी, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट जानने के बाद हम देखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, उन पॉइंट्स के बारे में जिक्र करते हैं। क्या कह रहा भाई? पॉपुलेशन जो होती है, जनसंख्या, वो एक कंट्री की रियल वेल्थ होती है। भाई कोई कंट्री है, उस कंट्री का नाम ऊपर करने में, नीचे करने में सबसे ज़्यादा रोल किसका है? उसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल है उन लोगों का जो उस कंट्री के अंदर रहते हैं। अगर अच्छे लोग रहेंगे तो कंट्री का अच्छा नाम होगा, अच्छी इमेज होगी। अगर कंट्री के अंदर लोग खराब रह रहे हैं, तो उस कंट्री की इमेज उतनी खराब होगी। तो एक कंट्री की जो रियल वेल्थ होती है वो होती है उसकी जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन, ठीक है दोस्तों। आगे बोला गया है कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट जिस कंट्री की जितनी अच्छी होगी, उसकी पोजीशन जो है वो दुनिया के अंदर उतनी अच्छी। आज हम अमेरिका का इतना नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि अमेरिका के अंदर लोगों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, और डेवलपमेंट भी वहाँ पर बहुत तेज़ी से लोगों का हो रहा है, वहाँ पर लोग डेवलप्ड हैं। इसलिए पूरी कंट्री को भी हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री है। तो जितनी अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, कंट्री की इमेज और पोजीशन दुनिया में उतनी अच्छी होगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, मानव विकास का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिस बंदे ने दुनिया को इंट्रोड्यूस करा, उस बंदे का नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के थे दोस्तों। इन्होंने कब इंट्रोड्यूस करा? तो 1990 में, यानी कि 1990 में पहली बार ह्यूमन का डेवलपमेंट क्या होता है इस टर्म को इंट्रोड्यूस करा डॉक्टर
महबूब उल हक जी ने। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अगर आप चाहो इसके नोट्स बनाना बना सकते हो, अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों तो आप ले सकते हो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है चलो, ठीक है अगला पॉइंट क्या रहा भाई, द फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि वो कौन से चार मुख्य चीजें हैं जो ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों इक्विटी, यानी कि समानता, कि भाई जितने भी मौके दिए जाते हैं किसी देश में लोगों को, वो मौके सबके लिए बराबर हो। जैसे कि मान लो ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है देश के अंदर, वो कंपनी कह रही है कि नहीं भाई हम क्या करेंगे, हम अपनी कंपनी में यादव रखेंगे। नहीं, ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए कि भाई मेरी कंपनी में ये वैकेंसी है, जिस बंदे के अंदर जितना अच्छा टैलेंट होगा वो आके परफॉर्म करो, जो हमारे काम से बिल्कुल मैच है उस बंदे को हम रखेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं इक्विटी, कि भाई देश के अंदर लोगों के अंदर समानता होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज की और हर एक चीज की। आप भेदभाव नहीं कर सकते, जब तक आप लोगों के अंदर क्या नहीं लाओगे, समानता नहीं लाओगे, तब तक डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला बोला गया भाई सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जो लोगों को दे रहे हो ना, वो ऐसे नहीं कि एक बार आपने दिया फिर आपने छोड़ दिया, आपको हमेशा उनका टेक केयर करके रखना पड़ेगा। जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं कोरोना का, तो कोरोना में क्या सरकार ने एक दो बार राशन बंटवा दिया, अब एक दो बार बंटवा दिया तो क्या हुआ भाई, लोग भूखे बहुत मरे। आपको वो राशन हमेशा बंटवाना था ताकि लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से सस्टेन कर पाए। तो सस्टेन करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कि आप लोगों को जो दो वो परमानेंट दो, ऐसे नहीं कि थोड़े दिन के लिए दिया फिर आपने छोड़ दिया, तो डेवलपमेंट थोड़ी सी होगी फिर जीरो हो जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप भले ही थोड़ा दो लेकिन हमेशा दो, ये है हमारा सेकेंड पॉइंट डेवलपमेंट लाने के लिए। तीसरा है प्रोडक्टिव, कि भाई लोगों को ना प्रोडक्टिव बनाओ। अब जब आप लोगों को प्रोडक्टिव बनाओगे, मान लो एक बंदा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो सिंपल सी बात है खेती बाड़ी करेगा या कहीं मजदूरी करेगा, लेकिन दूसरा बंदा जो पढ़ा लिखा है जिसने बहुत सारी डिग्री करी है, उस बंदे से भी अगर आप वही काम करवाओगे खेती बाड़ी, उसको भी लेबर वेबर बना दोगे, तो उसका उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों को प्रोडक्टिव बनाने में ध्यान दो, जब तक लोग प्रोडक्टिव नहीं होंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी। देखा है ना देश के अंदर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट वाइंटिस्ट होते हैं, जब वो कुछ करते हैं तो देश का भी नाम होता है, उनका भी नाम होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो प्रोडक्टिव लोग होते हैं, वो दुनिया से कुछ और सोच पाते हैं, नए नए आइडियाज ला पाते हैं। तो लोगों को क्या बोला गया तीसरे पॉइंट में, अगर आपको डेवलपमेंट लानी है तो लोगों को प्रोडक्टिव बनाओ। ऐसे नहीं कि सारे लोग लेबर ही बन रहे हैं, मजदूरी बन रहे हैं, लोगों को प्रोडक्टिव बनाओ ताकि वो अपना भी कुछ करें और अपने डेवलपमेंट करें, तो देश का भी डेवलपमेंट हो, आसपास के लोगों का भी डेवलपमेंट हो। चौथा है भाई एम्पावर्ड करके रखें, ऐसा ना कि आप लोगों को बताएं नहीं भाई तू तो गरीब है तेरी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, आप बता के रखें कि हर किसी की डेवलपमेंट हो सकती है। एक मतलब समानता दिखाए लोगों को, एम्पावर लोगों को एम्पावर करें, करेज करें कि डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो सारे लोगों के लिए डेवलपमेंट है, जो मेहनत करेगा उसको डेवलपमेंट मिलेगी। तो लोगों के अंदर एम्पावरमेंट रखना एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो चार काम है जो ह्यूमन की डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं कि डॉक्टर महबूब उल हक जो थे, ठीक है, और उनके ही एक दोस्त थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने एक लाइन बोली थी कि अगर आपको डेवलपमेंट करवा रहा है ना किसी भी देश में, तो एक टर्म पे काम करो जिसको बोलते हैं फ्रीडम। अगर आप लोगों को फ्रीडम दे पा रहे हो देश में कि भाई जो खाना है, जो पहनना है, जो बोलना है, जो करना है वो कर, तब लोगों की डेवलपमेंट होगी। अगर लोगों के पास फ्रीडम नहीं होगा तो लोगों की डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी। अगर इंसान अपने मर्जी का कुछ ना कर पाए तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, पूरा चैप्टर मानव डेवलपमेंट पे, कि इंसान की डेवलपमेंट कैसे होती है, क्यों करवाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि वो चार कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से डेवलपमेंट जो है वो आ जाती है और हो जाती है ह्यूमंस की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि अभी आपने देखा भैया डेवलपमेंट आ जाती है, तो डेवलपमेंट को नापा कैसे जाता है, कि किस देश में कितनी डेवलपमेंट है, किस देश में डेवलपमेंट नहीं है, ये नापा कैसे जाता है दोस्तों। तो देखो बहुत ज़्यादा ही आसान है ये, इसको नापने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे कि क्या, तो एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं HDI, यही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हाउ टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरीके से जो है वो नापा जाता है। तो एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ना दो नंबर होते हैं, 0 और 1, इसके बीच में रैंक दिया जाती है 0.965, 0.421, यानी कि 0 और 1 के बीच में से क्या दी जाती है, रैंक दी जाती है हर कंट्रीज़ को। सर कैसे दी जाती है रैंक, क्या देखते हैं, तो तीन चीज़ देखी जाती है, कि मान लो जैसे कोई कंट्री है एक्स नाम की, तो उस कंट्री में हेल्थ की सुविधा कैसी है,
ठीक है, हेल्थ की फैसिलिटी कैसी है उस कंट्री के अंदर, एक्सेस टू रिसोर्स कितना है कि भाई कितने रिसोर्स हैं, क्या लोगों को रिसोर्स मिल पा रहा है, लोगों के पास कितनी इजाज़त है रिसोर्स को कंज्यूम करने की वो, और तीसरा एजुकेशन। जिस देश का ये तीनों अच्छा होता है उसी हिसाब से नंबर कैलकुलेट करके 0 और 1 के बीच में से दिए जाते हैं, और जिसका स्कोर 1 के बहुत करीब आता है उस कंट्री को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में समझ में आया, आप अगर नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो अपन आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा भाई कि ना लाइफ क्या होती है, जिंदगी कैसी होनी चाहिए, जिंदगी मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई पैदा हुए मर गए, यही सोच रहे हो कि पैदा हो गए हैं दोस्तों अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे कुछ दिन में, ऐसी सोच मत रखो। सोच कैसी रखो, मीनिंगफुल, कि भाई आए हैं कोई बात नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं भी तो कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें हमारी ज़िंदगी ऐसा ना हो कि हमें लगे बर्बाद कर दी। ज़िंदगी आई हो तो ज़िंदगी का इस्तेमाल करो। तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि पैदा हुए यही काम धंधा करते करते हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लाइफ के अंदर कुछ आपका पर्पस होना चाहिए कि आप पैदा किए हुए हो, आपको कुछ करके जाना है धरती पे, उसको बोलते हैं मीनिंगफुल लाइफ। अगर आप धरती पे आए हो तो आपके अंदर जो जो टैलेंट है उस टैलेंट को आप बाहर लाओ, दुनिया को दिखाओ, अपना नाम कमाओ, देश का नाम करो, सबका नाम करो, इसी को बोलते हैं मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है दोस्तों, मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है, यहाँ ज़िंदगी झंड हो रखी है हमारी। आगे देखो दोस्तों, कह रहा भाई गवर्नमेंट रोल के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है ह्यूमन के बीच में डेवलपमेंट लाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा, सोसाइटी के अंदर ना एक बॉयज होते हैं यानी कि मेल्स, एक फीमेल्स होती है। ठीक है, अब कहोगे भाई यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, बॉयज भी लिखा है, मेल्स भी लिखा है, या फीमेल्स लिखा है, तो लिख देता हूँ गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, ये एल है थोड़ा, गर्ल्स। भाई सोसाइटी के अंदर देखा गया कि बॉयज़ और मेल्स जो हैं, सिंपल सी बोलूँ तो मेल्स की इज्जत पहले सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऊपर है हिस्ट्री से ही, फीमेल्स की बहुत कम है। लेकिन ये दोनों इंसान हैं, डेवलपमेंट दोनों की करवानी है, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, उसमें क्या करा, ये करने की कोशिश करी कि फीमेल्स की भी इज्जत थोड़ी सी ऊपर कर दे मर्दों के बराबर। तो वो लेके आया क्या, जैसे आपने कई बार सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल ट्रक के पीछे लिखा होता है सेव गर्ल, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये एक पॉलिसी लेके आई थी सरकार, ये सोच के कि इन लड़कियों की इज्जत थोड़ी अपनी तरफ से वो ऊपर कर दे, अपलिफ्ट कर दे, ताकि लड़कियों का डेवलपमेंट भी जो है वो ज़्यादा हो पाए। मर्दों के मुकाबले औरतों में बहुत कम डेवलपमेंट इंडिया के अंदर और देशों के अंदर देखने को मिल रहा था, खासकर इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा, कि यू लड़की जो है भाई पढ़ लिख देती थी तुरंत शादी हो जाती थी। बाल विवाह सुना होगा आपने बचपन में, शादी तय कर रहे थे, बच्चा पेट में है रिश्ता पहले ही हो गया उसका, 16-17 साल भी नहीं हो पाए शादी कर देते थे। तो उनकी डेवलपमेंट पे ना बहुत ज़्यादा खतरा आ गया था उनकी डेवलपमेंट पे। तो सरकार एक नई प्रोग्राम लेके आई था जिसमें सरकार ने क्या करा, इस चीज़ को दूर करनी चाहिए कि नहीं भाई हम इस चीज़ को दूर कर देंगे, हम सारे लोगों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत। अगर ये आए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट करने में, तो सेव गर्ल यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक पॉलिसी लेके आई थी सरकार, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। कह रहा भाई दुनिया के अंदर ना अलग अलग साइंटिस्ट हैं, वो अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, वो कहते हैं अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए ये करो, डेवलपमेंट चाहिए मेरा रास्ता अपनाओ, डेवलपमेंट चाहिए मेरा रास्ता अपनाओ। तो ऐसे कुछ चार रास्ते हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं। पहला है द इनकम अप्रोच, थोड़ी इनकम की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ठीक है दोस्तों, वो हमारे PPT1 आने वाली टीम से हो गई होगी, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ी सी हो जाती है। तो देखो पहली अप्रोच है द इनकम अप्रोच, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अगला है द वेलफेयर अप्रोच, तीसरी है मिनिमम नीड अप्रोच, और चौथा है केपेबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं एक बार, क्या है ये अप्रोचेस। तो देखो दोस्तों, पहला जो हमने पढ़ा था द इनकम अप्रोच, द इनकम अप्रोच क्या बोलती है कि देश में डेवलपमेंट करवाना है कुछ मत करो, इनकम पे काम करो, जैसा इसका नाम है, लोगों के पास जब पैसा जाने लगेगा तो लोगों की डेवलपमेंट अपने आप होने लगेगी। ये किसी एक साइंटिस्ट का नज़रिया है कि डेवलपमेंट लाना है देश में तो ये काम करो, इनकम अप्रोच ये बोलती है। अच्छा पैसा दे दो इंसान को, इंसान अपना डेवलपमेंट खुद से कर लेगा। नेक्स्ट कह रहा है वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच में कह रहा है कि गवर्नमेंट को ना अच्छी से अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए,
ताकि लोगों का डेवलपमेंट जो है वो हो सके। कहने का मतलब डेवलपमेंट का ठेका किसको लेना चाहिए? सरकार को। सरकार अच्छी पॉलिसी बनाएगी तो लोगों का डेवलपमेंट होगा। ये है सेकंड पॉलिसी, ये सेकंड सोच डेवलपमेंट लाने के लिए। तीसरी है बेसिक नीड अप्रोच। किसी साइंटिस्ट ने बोला भाई इतनी मत्थामारी की जरूरत नहीं है, आप इंसानों की बेसिक नीड पूरी कर दो, हो गया डेवलपमेंट। क्या बेसिक नीड? तो बेसिक नीड में 6 चीज़ आती है। पहला फूड, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर कैपेबिलिटी सप्लाई, सैनिटाइजेशन और हाउसिंग। जब आप ये 6 चीज़ दे दोगे तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। ये किसी और साइंटिस्ट ने बोला। एक और साइंटिस्ट आया, उसने बोला भाई इतनी चोचलेबाजी क्यों कर रहे हो यार, तुम इंसान को पढ़ा लिखा के केपेबल बना दो, उसके हाथ में एक स्किल सिखा दो, डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। इस चौथी अप्रोच का नाम था कैपेबिलिटी अप्रोच, जो एक अलग साइंटिस्ट ने दिया। एक साइंटिस्ट ने बोला भाई डेवलपमेंट करवानी है इनकम पे काम करो, किसी ने बोला इनकम छोड़ो भाई सरकार को काम करना चाहिए, जिसको वेलफेयर अप्रोच बोलते हैं। किसी ने कहा सरकार को भी छोड़ो इनकम भी छोड़ो, बेसिक नीड दे दो हो जाएगी डेवलपमेंट। किसी ने बोला इन तीनों को छोड़ो, कैपेबिलिटीज पे काम करो, इंसान को स्किल सिखाओ, कैपेबल बनाओ, डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमने क्या पढ़े, अप्रोचेस पढ़े डेवलपमेंट के। चलो आगे बढ़ते हैं जादू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा है हमारा, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी हमने पढ़ा कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्री को 0 और 1 के बीच में से रैंक देती है, जिससे हमें पता लगता है जिसकी रैंक सबसे ज़्यादा वो कंट्री के अंदर डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा। तो अभी हमने पढ़ा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ देखी जाती है, तो 3 चीज़ मेनली, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि इनके अंदर मतलब और क्या क्या चीज़ें मेन की, हेल्थ के अंदर क्या देखते हैं, एक्सेस टू रिसोर्स में क्या देखते हैं, एजुकेशन में क्या देखते हैं। तो पहला कह रहा है भाई हेल्थ में क्या देखी जाती है, तो हेल्थ में देखो 2 चीज़ देखी जाती है। पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ। कह रहा है कि भाई उस कंट्री के अंदर लोग कितने साल तक जिंदा रह रहे हैं वो, और कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ये 2 चीज़ देखी जाती है हेल्थ के में। ठीक है, तब देखा जाता है, तो इन दोनों में स्कोर दिया जाता है कि हाँ भाई ये कंट्री है इसमें हेल्थ चेक करना है। तो हेल्थ में क्या देखेंगे, कितने लोग हैं जो कि कितने साल तक जी रहे हैं, सबसे ज़्यादा कितने साल के लोग इसके अंदर कंट्री के अंदर है, जितने साल के लोग होंगे उतना फ़ायदा। फिर देखा जाएगा भाई यहाँ पर बर्थ रेट कैसा है, ये 2 चीज़ देखी जाती है किसमें, हेल्थ में। तीसरा है भाई अभी जो हमने पढ़ा क्या, एजुकेशन में देखा जाता है कि लिटरेसी रेट कितना है भाई, उस कंट्री में लोग पढ़े लिखे कितना है, लिटरेसी रेट देखा जाता है एजुकेशन के मामले में। तीसरा भाई जो हमने पढ़ा था एक्सेस टू रिसोर्स में ये देखा जाता है कि भाई उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, यहाँ पर सी आएगा। ठीक है दोस्तों, कि उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो कंट्री के लोग जो मिनिमम बंदा है वो कितना पैसा कमा पा रहा है। अच्छा पैसा कमा रहा होगा तो अच्छे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा होगा, अगर बहुत कम पैसा कमा रहा है यानी कि वहाँ के लोगों के पास एक्सेस टू रिसोर्स नहीं है, ज़्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे। कोई दिक्कत दोस्तों, 3 चीज़ देखी हमने। तीसरा देखो हेल्थ के मैटर में एक और बता रखा है कि हेल्थ में और चीज़ देखी जाती है क्या, एजुकेशन कैसी है लोगों को, सॉरी ये तो हमने 3 चीज़ पढ़ी कि क्या क्या देखी जाती है किसके अंदर, HDI के अंदर, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा हेल्थ में क्या देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बर्थ रेट। भाई एजुकेशन में क्या देखते हैं, अडल्ट लिटरेसी रेट। एक्सेस रिसोर्स में क्या देखते हैं, पर कैपिटा इनकम। और HDI में मेनली कौन सी 3 चीज़ पे फोकस करा जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। फिर इसके हिसाब से इन सबका टोटल करके देखा जाता है भाई, हाँ भाई इसके एक्सेस रिसोर्स अच्छा है लेकिन हेल्थ बेकार है, एजुकेशन भी अच्छा है, फिर उस हिसाब से उसको रैंक दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो जी। देखो नेक्स्ट बोल रहा है इंटरनेशनल कंपैरिजन। कह रहा भाई जैसे जगह ए है, जगह बी है, जगह ए बहुत बड़ा है, जगह बी छोटा है। अब तुम कहोगे भैया इसके पास तो साइज़ बहुत ज़्यादा है, खेती ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट कम होगा। नहीं, डेवलपमेंट के लिए ना तो साइज़ मैटर करता है, ना तो लोकेशन मैटर करती है, ना तो पर कैपिटा इनकम मैटर करती है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी कंट्री ऐसी जहाँ का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, साइज़ बहुत ज़्यादा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक में वो बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, अब देखा जाता है कि किस कंट्री को डेवलप्ड बोलते हैं, किस कंट्री को अच्छा बोलेंगे, किस कंट्री को ख़राब बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में। तो जिस कंट्री का स्कोर 8 से ज़्यादा आ जाए उसको बोलेंगे वेरी हाई कंट्री में, यानी कि उसकी जो HDI है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, जिसकी यहाँ पर थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रखा है, जिसकी 7
और 6 के बीच में हो उसको बोलेंगे हाई, ठीक है। जिसकी 6 और 7 के बीच में हो उसको बोलेंगे मीडियम, और जिसकी 5 से कम हो उसको बोलेंगे लो HDI के मामले में, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, यानी कि जिस कंट्री का स्कोर जैसा आएगा, मान लो किसी कंट्री का आ गया 0.342, ये आ गया, तो ये किससे नीचे है, 5 से नीचे, यानी कि उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है, लो। कोई दिक्कत दोस्तों, चलो आगे बढ़े। ये तो समझ में आया ना कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए साइज, लोकेशन, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा मायने नहीं रखती। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक बार, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है भाई कुछ रैंक बता रखी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ का अच्छा है, HDI सबसे ज़्यादा कहाँ की अच्छी है। तो पहले नंबर पे आता है स्विट्ज़रलैंड, जिसकी रैंक है HDI में 0.963, ठीक है, इसलिए वेरी हाई में। अगला सेकेंड नंबर पर आता है बेटे नॉर्वे, जिसकी रैंक है 0.961। तीसरे नंबर पे हमारा आइसलैंड, जिसकी है 0.959। अगला है फोर्थ नंबर पे हांगकांग, जिसकी है 0.952। ये टॉप मोस्ट फोर कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि HDI वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इतना ही था हमारा चैप्टर बेसिकली, इसके अंदर हमने ग्रोथ डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट और HDI के बारे में डिस्कस करा। बहुत ईजी चैप्टर था हमारा, इसके क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो हम जो है वो जल्दी ही करेंगे। ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट बिल्कुल करें। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती हो, इसके अंदर कुछ ना समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूं, आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों दैट्स योर योगेश सर, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।